और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कल सर्वदलीय बैठक हुई, इसके बाद विधानमंडल की बैठक हुई, आज मानसून सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ सत्र को लेकर अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से कल सर्वदलीय बैठक हुई और आज जो है आगरा के विधायक जगन प्रसाद गर्ग को, जो उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद जो है सत्र को स्थगित कर दिया जाएगा। शुक्रवार तक स्थगित रहेगी और उसके बाद से सदन के जो है बुधवार से शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पूरी प्रक्रिया है वो जो है शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ जो जिस तरीके से जो बीते दिनों घटनाएँ हुई उन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो विपक्ष पूरी तरीके से मूड बना चुकी है, पूरी तरीके से तैयार है। कल की सर्वदलीय बैठक में भी हालांकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से विपक्ष से सहयोग मांगा था कि सदन को चलने में सहयोग दिया जाए, क्योंकि इस पर जो है सीधे जनता की नज़र होती है और जनता जानना चाहती है कि आखिरकार सदन में क्या हो रहा है और उनके विधायक किन मुद्दों पर किस तरह से उनके साथ पेश आ रहे हैं। लेकिन जब अब ये घटना हुई है तो इन सभी चीज़ों को लेकर के कानून व्यवस्था जिस तरीके से गड़बड़ हुई, जिस तरीके से चरमराई, जिस तरीके से ध्वस्त हुई है, कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, चाहे संभल का मामला रहा हो, चाहे जो है सोनभद्र में जिस तरीके से घटनाएं हुई, इन सभी चीज़ों को देखते हुए पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और अब वो जो है सदन में सरकार के खिलाफ बिल्कुल नारेबाजी तक करने के मूड में है। और साथ ही साथ वो इस पहले कह चुका है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती, अगर विपक्ष की बातें नहीं सुनी जा रही हैं तो वह धरना प्रदर्शन तक देगा। और साथ ही साथ चाहे बुंदेलखंड का मामला रहा हो, चाहे किसानों का मामला रहा हो, चाहे गन्ना भुगतान का मामला रहा हो, यानी कि तमाम मुद्दों पर भी जो है सरकार को घेरने की विपक्ष ने पूरी तैयारी की है। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि विपक्ष जो है साथ में आए, एक सकारात्मक मुद्दों पर बातचीत हो, सकारात्मक मुद्दे पटल पे आए, रखे जाएं, उन पे बहस हो, बेहतर तरीके से जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आए। लेकिन कानून व्यवस्था के साथ ही साथ महिला अपराध की अगर हम बात करें, साथ ही साथ बीते दिन जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे अधिवक्ता की हत्या रही हो, चाहे जो है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले रहे हो, विपक्ष कहीं ना कहीं कहना चाह रहा है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।